सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। प्रीवियस में आपने जो फुल स्क्रीन स्टेटस देखा, जो कि एकदम जो टेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो जो बिल्कुल नया है, तो इस तरीके का टेक्स्ट ट्रांजैक्शन कैसे क्रिएट करते हैं आज मैं इसी वीडियो को बताने वाला हूँ। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर आपको फुल एच डी वीडियो मिलेगा और सभी मेटेरियल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको अलर्ट मोशन ओपन करना है, प्लस पे क्लिक करना है, पेन पे क्लिक करना है, रिजोल्यूशन 1080x2340 कर लेना है, उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑडियो ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, इमेजन वीडियो पे जाना है। मैंने ये वीडियो टेलीग्राम पे दे दिया है तो आप इस टेलीग्राम से ये यहाँ पे ऐड कर लेना। थ्री डॉट पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट एक बीट आता है, 6 सेकंड में शायद एक बीट आता है, तो आपको बीट सुन लेना है। तो 6 सेकंड पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, एक मार्क लगा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे चले जाना है, इमेज ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, इमेजन वीडियो पे जाना है और आपको इमेज ऐड कर लेना है। थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल स्क्रीन कर लेना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, जूम लेयर पे आना है, थोड़ा सा जूम इन कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, एंडिंग पॉइंट पे जाना है और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ताकि जो इमेज है वो भी एंडिंग पॉइंट पे आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और आपने जो मार्क लगाया था बीट का, बीट मार्क पे चले जाना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, स्प्लिट कर देना है। आप देख सकते हैं स्प्लिट कर दिया। उसके बाद आप फर्स्ट पार्ट को इमेज का सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट्स में जाना है, नीचे आना है, आदर पे जाना है, चैनल रीमैप आरजीबी आपको सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। आपको जो यहाँ पे जी बी और ए दिखाई दे रहा है, आपको जी को आर कर देना है, बी को आर कर देना है ताकि ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, बैक आना है, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, सेकेंड पार्ट वाले इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट्स में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है सिंपल स्टार फील्ड, सिंपल स्टार फील्ड सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, एक्स पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस पे क्लिक करना है, एंडिंग पॉइंट पे और एक प्लस पे क्लिक करना है, एंडिंग प्लस को आपको 1000 कर लेना है, -1000। इस तरीके से आपको -1000 कर लेना है। उसके बाद बैक आना है, उसके बाद आपको यहाँ पे और एक इफेक्ट ऐड करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, सर्च करना है ग्लो स्कैन, ग्लो स्कैन सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, ग्लो स्कैन ओपन करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस पे क्लिक करना है, थोड़ा सा आगे आपको इस पॉइंट पे और एक प्लस पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग प्लस को आपको इस तरीके से 30 नहीं तो 40 रख लेना है इस तरीके से, और सेकेंड प्लस को आपको 0 कर लेना है। उसके बाद आपको बैक आना है, तब देख सकते हैं आप इस तरीके से इफेक्ट आएगा, इस तरीके से जो बीट के हिसाब से आएगा। अब बीट सुन लेना, 5.16 या 6 सेकंड तक है, तो आप ये सॉन्ग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और आप बीट सुन लेना। उसके बाद क्या करना है, आपको लिरिक्स लिखना है, लिरिक्स जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे आने के बाद प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है और आपको यहाँ पे लिरिक्स लिखना है। उसके बाद लेफ्ट के कॉर्नर पे क्लिक करना है ताकि जो लिरिक्स है वो सेंटर पे आ जाए। उसके बाद फॉन्ट्स पे जाना है और आपको सोल सिग्नेचर फॉन्ट्स आपको टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद कलर पे जाना है, वाइट कलर सेलेक्ट करना है और साइज़ आप अपने हिसाब से इस तरीके से एडजस्ट कर लेना। उसके बाद राइट पे क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, इस तरीके से आपको यहाँ पे नीचे एडजस्ट करना है, रोटेशन लाइन पर जाना है, -90 कर लेना है, मूव में जाना है, आपको इस जगह पर एडजस्ट कर देना है और आप अपने हिसाब से थोड़ा सा जूम इन कर लेना, एडजस्ट कर लेना इसके हिसाब से। उसके बाद बैक आना है, आपको सॉन्ग का लिरिक्स सुन लेना है, जिस पॉइंट पे ख़त्म होता है उस पॉइंट पे आने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, एफेक्ट्स देना है, एफेक्ट्स पे जाना है, ऐड एफेक्ट्स पे जाना है, कलर एंड लाइट में जाना है, नीचे आना है, रेज सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, सेंटर पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है और एक्स को -300। एंडिंग पॉइंट पे जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, एक्स को +300। इसी तरह आपको वाई को भी करना है, इस तरीके से एंडिंग प्लस को आपको 300 रखना है और फर्स्ट वाले प्लस को -300। इस तरीके से उसके बाद नीचे आना है, लेंथ पे जाना है, लेंथ को आपको 30 या 25 अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद इंटेंसिटी पे जाना है, इंटेंसिटी को 3.00 कर लेना है।
इस तरीके से। उसके बाद नीचे आना है, थ्रेशोल्ड को जैसा वैसा रहने देना है, कलर पे जाना है, रेड कलर सेलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद ब्लेंड को इस तरीके से फुल कर देना है, उसके बाद बैक आना है। तब देख सकते हैं ये वाला इफेक्ट लग चुका है इस तरीके से। तो उसके बाद आपको यहाँ पे और एक इफेक्ट ऐड करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है, नीचे आना है, टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ओपन करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस पे क्लिक करना है, एंडिंग पॉइंट पे और एक प्लस पे क्लिक करना है, एंडिंग प्लस को आपको 100 कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, एंड पे क्लिक करना है, एंडिंग पॉइंट पे प्लस पे क्लिक करना है और स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग प्लस को आपको 0 कर लेना है। तो स्टार्ट का स्टार्टिंग प्लस 0, एंडिंग प्लस 100, सेम एंड का भी स्टार्टिंग प्लस 0, एंडिंग प्लस 100। उसके बाद नीचे आना है, लेयर को कंपोनेंट सेलेक्ट करना है, नीचे आना है, स्केल को -1.00, उसके बाद अल्फा को -1.000, उसके बाद नीचे आना है, ईज इन को 100, ईज आउट को -100, ओवरलैप पे क्लिक करना है, ओवरलैप को 200। उसके बाद बैक आना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है, ऑक्सिलेट सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑक्सिलेट ओपन करना है, एंगल को 180 कर लेना है। फ्रीक्वेंसी को 0.40 या 0.50 कर लेना है और मैग्नीट्यूड जैसा है वैसा रहने देना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से। उसके बाद सेकंड लिरिक्स लिखने क्या करना है, फर्स्ट लिरिक्स पे क्लिक करना है, प्लस पे क्लिक करना है, कॉपी लेयर कर लेना है। सेकंड लिरिक्स जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट पे आने के बाद आपको सिंपल से पेस्ट लेयर कर देना है। उसके बाद लिरिक्स सुन लेना जिस पॉइंट पे खत्म होता है, उस पॉइंट पे आने के बाद लिरिक्स पे क्लिक करना है, ड्यूरेशन पे जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद लिरिक्स पे क्लिक करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और इसका टेक्स्ट रिमूव करके आपको लिरिक्स लिख लेना है। इस तरह आपको बाकी सभी लिरिक्स लिख लेना है। तो मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला स्टेटस। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और सभी मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।